हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे इंस्टेंट डोसा। वो भी ना चावल को भिगोना, ना पीसना, ना घंटों रखना, ये सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 कप चावल का आटा, आधा कप सूजी, नमक स्वाद अनुसार, कुछ करी पत्ता जिन्हें बारीक काट लिया था, पुदीने की पत्तियाँ ये ऑप्शनल है, बारीक कटा हरा धनिया, बारीक काटी हुई प्याज, 1 छोटी चम्मच जीरा, आप हरी मिर्च भी काट कर डाल सकते हो। अब सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 कप पानी और मिक्स कर लेंगे। फिर से 2 कप पानी डालना है और डालकर फिर से अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारा पानी एक साथ नहीं डालना है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते हुए मिक्स कर लेना है। लास्ट में 1 कप पानी और डालेंगे। टोटल 4 कप पानी यूज हुआ है। रेशियो आपको सेम यही लेना है। इससे आपका डोसा एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। अब इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि सूजी फूल जाए। आप इसे एक दिन के लिए फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हो। 5 मिनट बाद इसे मिक्स करेंगे और गैस पर एक नॉनस्टिक तवा या पैन, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। इसे चम्मच या कटोरी से पैन के किनारों की साइड से फैलाते हुए डालना है। बैटर डालकर इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। इसके ऊपर थोड़ा सा घी या ऑयल डाल देंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसे पलटकर सिर्फ 30 सेकंड पकाएं या ऐसे ही खा सकते हैं। आप चाहो तो इसके ऊपर डोसा मसाला या आलू की फिलिंग भी कर सकते हो। हमारा क्रिस्पी डोसा बनकर तैयार है। इसी तरह बाकी डोसा भी बना लेंगे। जितनी बार बैटर लें उसे पहले घोल लें। चावल का आटा नीचे बैठ जाता है, इसलिए इसे घोल कर ही डालें। सच में इस डोसे को बनाना इतना आसान है और इसका स्वाद भी एकदम इतना ही लाजवाब है। इसे एक बार जरूर ट्राई करें। ऐसे ही मजेदार और आसानी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।